जनपद संभल के चंदोसी में स्थित आरएस इंटर कॉलेज पहुंचे जिला विद्यालय निरीक्षक। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी की ग्राम पंचायत मोलागढ़ में स्थित आरएस इंटर कॉलेज का है, जहां पर कल छात्र छात्राओं ने अंक पत्र में अंक के स्थान पर प्रमोट लिखा होने पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया था। जब इस बात की जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को हुई तो वह विद्यालय पहुंचे और बच्चों को समझाया कि उनके पास एक मौका और है जिसमें वह री एग्जाम देकर अपने अंक सुधार सकते हैं, जिसके फॉर्म भरने का कल आखिरी दिन है। आर एस इंटर कॉलेज में बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए कि इनका रिपोर्ट कार्ड में अंक नहीं है, तो उस संबंध में जो बच्चे यहाँ जाम भी लगाया, बच्चों ने प्रदर्शन भी किया, प्रशासन भी यहाँ पर आया, प्रशासन बच्चों को समझाया गया है। आपसे भी कल ये लोग जाके ऑफिस में आपसे बात की है, तो क्या निष्कर्ष इनका निकाला गया है? निष्कर्ष देखिए, इनके बच्चों के पास बोर्ड ने एक विकल्प दिया है री एग्ज़ाम यानी परीक्षा सुधार, थोड़ा शांत कर ले, परीक्षा सुधार में बच्चे जो 18 सितंबर से परीक्षा होनी है उस परीक्षा में ये पुनः सम्मिलित होकर अपने अंकों को सुधार सकते हैं। बच्चों का ये कहना है कि हम परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, सभी बच्चों का लगभग ये मानना है। फिर भी मैंने एक राय दी है इनको कि कल जो परीक्षा की अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, यदि उचित समझें तो इस परीक्षा को सम्मिलित होने के लिए फॉर्म को भर दें, जिससे कि इनके पास विकल्प खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त मैं बोर्ड कार्यालय से निरंतर टच में हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि इनकी समस्या का समाधान जितना शीघ्र हो सके वो निकले। मैंने विद्यालय के प्रबंधक को भी कहा है कि आज बरेली जाएंगे ये, और बरेली जाकर इस समस्या का समाधान ये कराने का प्रयास। उन्होंने जो यहाँ पर जाम लगाया था कल, और आज DIY साहब यहाँ पर आए, आप लोगों की वार्ता हुई, क्या कहा उन्होंने और पूरे मामले में क्या बात है? देखिए, बच्चे काफ़ी टाइम से परेशान चल रहे थे, 30 दिन से बच्चे हो गए लगभग, इनको डेट मिल रही थी कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन कल बच्चों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे भैया ये परेशानी है, तो मैंने आके सर से बात करी, इन्होंने बताया कोई शासन का आदेश है, कोई आदेश इन पर था नहीं इस प्रकार का। फिर मैंने बच्चों से कहा, भाई तुम्हारे हक की लड़ाई है, तुम्हें लड़नी है। बच्चों ने यहाँ जाम वाम लगाया, काफ़ी मेरे पर पुलिस का भी दबाव आया, कई तरफ से फ़ोन आए मेरे पास कि आप जो है जाम खुलवाइए, ये कराइए, मैंने जाम भी खुलवाया, और आज इन्हें 2 घंटे का ही समय और मांग रहे हैं, अभी इनकी लवाचा बात चल रही है, इसका क्या निर्णय होता है देखो।